अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में जितने वज़रा हैं और उनके जो कलमदान हैं यानी मिनिस्टर्स एंड देयर पोर्टफोलियोज़ को कवर करेंगे। नोट, ये तमाम मालूमात मैंने सूबाई और वफाकी हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट की हैं, जो वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती हैं। फिर भी अगर करेक्शन की ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट्स में मेरी इसलाह कर दें। दूसरी बात यह कि मैंने फेडरल मिनिस्टर्स और वफाकी काबीना की वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको इंट्रो दे दूं कि सीएम कौन है यहाँ के बलूचिस्तान के। तो सीएम है जाम कमाल खान एलियानी, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, ये 16th यानी 16वें चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने कब हलफ उठाया? 19 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट पर हमारे पास एक गवर्नर हैं, गवर्नर जस्टिस रिटायर रमानुल्लाह यासिन जई, ये गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, 24वें गवर्नर हैं सिंस कब से, 4 अक्टूबर 2018 से। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं स्पीकर, स्पीकर हैं बलूचिस्तान असेंबली के मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो, ये स्पीकर हैं, ठीक है। ये कब से हैं? 13 अगस्त 2018 से। फिर डिप्टी स्पीकर हैं हमारे पास, डिप्टी स्पीकर हैं सरदार बाबर खान, ये कब से हैं? 13 अगस्त 2018 से। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं बलूचिस्तान असेंबली में? 65 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जो जनरल सीट्स हैं, वो 51 हैं, और रिजर्व सीट्स वुमेन के लिए कितनी हैं? 11, और रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स कितनी हैं? 3। चलिए हम शुरू करते हैं MPs एंड देयर पोर्टफोलियोस, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज और देयर उनके जो कलमदान हैं उनके बारे में अभी पढ़ते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास है मीर जहूर अहमद बुलेदी, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं। नेक्स्ट मिस्टर ज़ियाउल्लाह लांगो, ये मिनिस्टर ऑफ होम एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड PDM है। PDM स्टैंड फॉर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एक होता है NDMA, NDMA मीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगले मिनिस्टर है हमारे पास मिस्टर सलीम अहमद खोसा, ये मिनिस्टर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, ये मिनिस्टर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेजेस टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन है। फिर नेक्स्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर उमर खान जमाली, ये मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है। मिस्टर मोहम्मद आरिफ, ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं। अगला मिस्टर तारिक खान मक्सी, ये मिनिस्टर ऑफ एरीगेशन हैं। फिर नूर मोहम्मद दुमर, ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हैं। इसके बाद अगले मिनिस्टर हैं मिस्टर असदुल्ला बलोच, ये मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैं। फिर मोहम्मद साले भूतानी, ये मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे पास सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पॉपुलेशन वेलफेयर हैं। फिर इसके बाद है मिस्टर मीर अकबर अस्कानी, ये एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के, एडवाइज़र टू CM फॉर फिशरीज। फिर नेक्स्ट एडवाइज़र है हमारे पास मिस्टर मोहम्मद खान लेहड़ी, ये एडवाइज़र टू CM फॉर लेबर एंड मैन पावर हैं। अगले मिनिस्टर हैं मिस्टर मलिक नईम खान बाजई, ये एडवाइज़र टू CM ऑन एक्साइज एंड टैक्सेशन हैं। अगला मिनिस्टर है मीठा खान काकड़, ये मिनिस्टर फॉर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैं। फिर आते हैं मिस्टर मोहम्मद खान, ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं। नेक्स्ट है मिस्टर अब्दुल खालिक, ये एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र टू CM फॉर कल्चर टूरिज्म आर्काइव्स स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर जमरक खान, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स हैं। अब हम पढ़ते हैं MNAs के बारे में कि बलूचिस्तान के नेशनल असेंबली में कितने MNAs हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज। तो बलूचिस्तान की जो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं वो 16 हैं, और रिजर्व फॉर वुमेन कितनी हैं? 4। फर्स्ट MNA हमारे पास मिस्टर मोहम्मद अख्तर मेंगल,
इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? एन ए 269 खुजदार से ये थे। नेक्स्ट एमएनए है हमारे पास मिस्टर मोहम्मद कासिम खान सूरी, ये डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? एन ए 265 कोटा 2। नेक्स्ट मिनिस्टर है मिस्टर अब्दुल वासी, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? एन ए 257 किला सैफुल्ला कम योब कम शिरानी, तीन अजला से ये इलेक्ट हुए हैं, किला सैफुल्ला योब और शिरानी से। नेक्स्ट एम एन ए हैं नवाबजादा शाहजैन बुगटी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 259 डेरा बुगटी कम कोहलू कम सिब्बी कम लहरी। अगले एम एन ए हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मिस्टर मोहम्मद इसरार तरीन, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 258 लोरालाई कम मूसा खेल कम जियारत कम दुखी कम हरनाई। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं हमारे पास एम एन ए मेम्बर ऑफ नेशनल असेंबली मिस्टर खालिद हुसैन मक्सी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 260 नसीराबाद कम कच्ची कम झलमकसी, ये हमारे इलाके के एम एन ए हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर है मिस्टर सलाहुद्दीन अयूबी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 263 किला सैफुल्ला। अगली मिनिस्टर है मिस सुबेदा जलाल, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 271 केट्स। अगले मिनिस्टर है मिस्टर कमाल लुद्दीन, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 262 पशीन से। नेक्स्ट एम एन ए हैं हमारे पास मिस्टर खान मोहम्मद जमाली, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 261 जाफराबाद कम सोबतपुर। अगला मिनिस्टर मिस्टर असमतुल्ला, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 264 कोयटा 1। अगला मिनिस्टर मिस्टर आगा हसन बलोच, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी क्या है? एन ए 266 कोयटा 3। अगले एम एन ए हैं हमारे पास मिस्टर एहसानुल्ला रेकी, कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी एन ए 270 पंजगूर कम वाशिक कम आवरान। नेक्स्ट एम एन ए हैं मिस्टर मोहम्मद असलम भूतानी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एन ए 272 लसबेला कम गवादर। फिर नेक्स्ट हैं एम एन एस मेम्बर्स ऑफ नेशनल असेंबली रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए चार सीट्स रिजर्व हैं। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर्स हैं मिस मुनवरा बीबी बलोच, ये कहाँ से हैं? क्वेटा से। नेक्स्ट प्रोफेसर डॉक्टर शहनास बलोच, इनका परमानेंस ये क्वेटा से। फिर हैं मिस रुबीना इरफान, ये कलात से हैं। लास्ट है मिस आलिया कामरान, ये क्वेटा से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स।